जयपुर बम ब्लास्ट से जुड़ा मामला, जिसमें राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर कर दी है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी को दायर किया है और 29 मार्च को हाई कोर्ट ने चार दोषियों को आरोप मुक्त कर दिया था। 13 मई 2008 को जयपुर में 8 स्थानों पर सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे और बम ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हुई थी जबकि 185 लोग घायल हुए थे। तो जयपुर बम ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। 29 मार्च को हाईकोर्ट ने चार दोषियों को आरोप मुक्त कर दिया था। और इसी खबर पर हमारे साथ विधि सलाहकार लक्ष्मीकांत फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, 29 मार्च को हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को दोष मुक्त किया और अब एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। जी, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान हाईकोर्ट में जयपुर बम ब्लास्ट को लेकर लंबे टाइम तक सुनवाई चली थी और हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 31 में आरोपियों को बरी कर दिया था। उसके विरुद्ध राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया था, क्योंकि चहुं ओर से राज्य सरकार पर ये कहा जा रहा था कि राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में कमजोर पेली की गई, तो इससे कई लोगों में काफी रोष था, सामाजिक संगठनों में रोष था, राजनीतिक दलों में रोष था। इस मामले में गहलोत सरकार के द्वारा आज सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई है इन आरोपियों को बरी किया जाने के विरुद्ध, जिसपे संभवतया जो मुझे लगता है वो लगता है कि जुलाई में जब अदालतें खुलेगी, सर्वोच्च न्यायालय के जल्दी अवकाश होने वाला है, ग्रीष्म अवकाश, उसके बाद में इस मामले की सुनवाई होगी, ऐसी संभावना है। गिरीश साहब, लक्ष्मीकांत जी, राज्य सरकार ने एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर करी है, आगे की प्रक्रिया किस तरह की, एक बार वो भी आप समझाने का प्रयास करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय में अब चूंकि 16 तारीख बाद में अवकाश, ग्रीष्म अवकाश शुरू होने वाले हैं, ऐसे में इतनी जल्दी इस प्रकरण की सुनवाई होगी इस पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अब करीब एक हफ्ते का वर्किंग हो रहा है सर्वोच्च न्यायालय में। इसके बाद में जब सर्वोच्च न्यायालय की वेकेशन खत्म होंगे तो उसके बाद में मैं लगता है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में इस प्रकरण की सुनवाई संभव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विधि सलाहकार लक्ष्मीकांत शर्मा, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस खबर पर जानकारी साझा कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में अवकाश होने वाला है, जिसके चलते संशय बना हुआ है कि इसकी सुनवाई कब होगी।